हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। बात करेंगे अडानी ग्रुप के ऊपर जो हिंडनबर्ग के जो दावे किए गए थे उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी उसको लेके एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। और यहाँ पे अगर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए कंसोलिडेशन फेज जो है स्टॉक में चल रहा है। हालांकि अडानी पावर 2% ऊपर है, अडानी पावर 1.5% है, अडानी एंटरप्राइजेज भी ऑलमोस्ट 2% के ऊपर देखने को मिल रहा है। बाकी कंसोलिडेशन फेज जो है आज के दिन में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ना तो गिरावट हुई है ना ही तेजी हुई है क्योंकि स्टॉक्स पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ऑलमोस्ट आ चुका है, लेकिन मोमेंटम स्टॉक्स में नहीं है। इसके पीछे की जो वजह है वो जान लेते हैं। अपडेट की बात करें तो देखिए अडानी हिंडनबर्ग में जो है सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग जो है वो पोस्टपोन कर दी है। सीबी वेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम 5 टैक्सेस हेवन्स। और ऐसे में सीबी जो है एलिगेशंस जो लगाए गए थे यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा जनवरी के महीने में इस साल में, तो उन एलिगेशंस के मामले में जो है अडानी ग्रुप को अक्यूज बताया गया था स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए, फ्रॉडेंट के लिए और अदर फाइनेंशियल मिसडीड्स के लिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को जो है पोस्टपोन कर दिया है। सीबी जो इस चीज़ को जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा था, ऑन 25 अगस्त सीबी सबमिटेड इट्स स्टेटस रिपोर्ट ऑन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिगेशंस। और 25 अगस्त को सीबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दी थी। सीबी रिपोर्ट सेड लाइट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द एक्सटेंसिव प्रोब विच एनकंपासेस अ टोटल ऑफ 24 इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द अडानी कॉन्ग्लोमरेट एक्टिविटीज। और ऐसे में 24 इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, यहाँ पे 24 प्रॉप से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन सीबी की तरफ से की गई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज जो है उसकी सुनवाई होनी थी। सुनवाई को लेके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है कि जो वो हियरिंग थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पोस्टपोन द हियरिंग इन द अडानी हिंडनबर्ग केस रिगार्डिंग द स्टेटस रिपोर्ट सबमिट बाई द कैपिटल मार्केट्स वॉचडॉग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विल कंटिन्यू हियरिंग प्लीज चैलेंजिंग द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है हियरिंग को। अब नई डेट आने वाली है। सीबी वॉज आस्क्ड टू सबमिट इट्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बाई अगस्त 14। हाउ द कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर आस्क्ड फॉर ए 15-day एक्सटेंशन एंड सबमिटेड इट्स स्टेटस रिपोर्ट ऑन अगस्त 25। तो पहले जो रिपोर्ट 14 अगस्त को सबमिट होनी थी वो 25 अगस्त को सबमिट हुई क्योंकि 15 दिन का उन्होंने एक्सटेंशन माना था। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है यहाँ पे एक बार फिर से जो है इस मामले की सुनवाई को पोस्टपोन कर दिया गया है। दूसरे अपडेट की अगर हम बात करें तो देखिए हिंडनबर्ग संकट में अडानी के शेयरों पर शॉर्ट सेलिंग का दावा और 12 कंपनियों ने की तगड़ी कमाई। और टॉप शॉर्ट सेलर्स में 2 भारतीय कंपनियां हैं और एक विदेशी बैंक की भारतीय शाखा शामिल है। भारत की एक कंपनी नई दिल्ली में और दूसरी मुंबई में रजिस्टर्ड है। और इन शॉर्ट सेलिंग के चलते जो है 12 कंपनियों को एक बड़ा मुनाफा मिला है जिसकी वजह से अडानी के शेयरों में गिरावट बड़ी देखने को मिली। और ऐसे में उसके बाद जो है बीते जुलाई महीने में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सीबी के साथ साझा किए गए अपने निष्कर्ष में ईडी के किए गए दावे हैं। और इंडियन एक्सप्रेस की खबर के सूत्र के हवाले से बताया गया कि शॉर्ट सेलर्स के कथित तौर पर 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित होने से 2-3 पहले ही पोजीशन ले ली थी और कुछ अन्यों ने पहली बार शॉर्ट पोजीशन लिए थे। तो यानी कि जब ये रिपोर्ट पेश की गई थी उससे 2-3 पहले ही जो है पोजीशंस ले ली गई थी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो है स्टॉक्स में गिरावट होगी और शॉर्ट सेलिंग के जरिए जो है एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकेगा। और उसका रिजल्ट जो है सुनवाई आज होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3-4 हज़ार का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, साथ में स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसपे मैं डेली 1-2 डेमो कॉल देता हूँ। और इस 1-2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।